अमित शाह इस वक्त मुक्ति दिवस पर वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद को आज ही देखा जाए तो भारत में शामिल किया गया था, क्योंकि जब पूरे देश को आज़ादी के बाद सारी रियासतें भारत में सम्मिलित हो रही थी, तब हैदराबाद के निज़ाम ने अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया था। और इसकी वजह से उस समय सरकार को, उस समय जो गृह मंत्री थे पटेल, उनको इसके लिए अभियान चलाना पड़ा था। और आज ही के दिन अगर देखा जाए औपचारिक तौर पर तो हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा बना था, तो उस दिवस को मनाया जा रहा है और इसके लिए एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। आपको हम बता दें अमित शाह मौजूद हैं हैदराबाद में इस दिवस पर। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। 1948 का वो दौर जब सरदार पटेल ने हैदराबाद के भारत संघ में विलय के बाद तिरंगा फहराया था, और अब 75 सालों के बाद गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर जो अहम कार्यक्रम होने हैं उनकी शुरुआत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैदराबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। और चर्चा इस बात पर भी हालांकि हो रही है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस या एकता दिवस, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सियासत भी चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में चुनाव होने हैं, लिहाजा जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, और TRS और BJP एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं। तेलंगाना पर खास जोर है BJP का, और चुनाव से पहले तेलंगाना का गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा उस लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।